आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यदि चूना पत्थर के टुकड़े को पानी में डुबोया जाता है तो बुदबुद उत्पन्न होता है, और यह बुदबुद किसके कारण जो है वो बनता है? विकल्प आपके सामने ये दिए गए हैं, अ, प, स, और ये दिया गया है द। तो बच्चों, जो हमारे पास में चूना पत्थर होता है ना, चूना पत्थर, ये कैसा होता है? इसका अगर मैं रासायनिक सूत्र बोलूं तो वो होता है CaCO3। ठीक है, यानी कि अगर मैं जी CaCO3 को प्लस करूं किसके साथ में? जल के साथ। ये है बेटा हमारे पास में जल, और ये है हमारे पास में चूना पत्थर। ठीक है, तो यहां पर क्या निकलती है? जो ये C होता है, यहां से जो है CO2 बाहर निकलती है। CO2 जो है वो गैस, ये बाहर निकलती है, और साथ ही साथ कुछ और भी होती है। और जो ये CO2 गैस बाहर निकलती है, मेन चीज तो मेरा इसके लिए है, जो ये किसके साथ में निकलती है बेटा? बुदबुदाहट के साथ। बुदबुदाहट के साथ क्या होती है बेटा? बाहर निकलती है ना, निकलती है। तो यानी कि यहां पर जो है ना, तो हाइड्रोजन गैस ऐसे करके निकलती है, ना ही ऑक्सीजन निकलती है, और ना ही जलवाष्प निकलती है। जो भी हमारी बुदबुदाहट होती है बेटा, वो किसके कारण होती है? वो होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है बेटा हमारे पास में CO2। इसलिए जो सही जवाब आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा हमारा ये कार्बन डाइऑक्साइड। पता है, अब ये जो चूने का पत्थर जो है बेटा, ये काम में भी आता है, घर की लिपाई पुताई में भी हम लोग पहले पुराने के जमाने पर इसी को काम में लेते थे। चूना पत्थर को पानी में घोल करके काम में लिया करते थे। ठीक है बेटा, और आजकल तो डिस्टेंबर, पुट्टी वगैरह बहुत सारी चीजें आ गई, लेकिन पहले चूना उना ही काम में लिया जाता था। धन्यवाद बच्चों, द हमारा सही है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।